सो गाइस, पबजी मोबाइल इंडिया रिलीजिंग डेट से लेकर डाउनलोड तक के कुछ अपडेट यहां पर आए हुए हैं। एंड स्ट्रीम के ऑफिशियल चैनल पे कल की डेट में एक पोस्ट को पब्लिश किया गया था और एक ही मिनट में उसको डिलीट भी कर दिया गया था। तो उस पोस्ट में क्या था गाइस और उसका डिलीट करने का रीज़न क्या है, और जो भी गाइस पबजी मोबाइल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है जो उसमें एक चेंजेस आया है आप लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसमें क्या चेंजेस आया है, तो पबजी मोबाइल का वो एक बहुत ही बड़ा क्लू है जो कि पबजी मोबाइल रिलीजिंग से लेकर है। इसमें से गाइस कुछ अपडेट जो हैं वो रियल भी हैं और कुछ अपडेट फेक हैं, तो दोनों अपडेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस बिल्कुल डिटेल में। हेलो गेमर्स, क्या हाल है गाइस? पबजी मोबाइल इंडिया का तो सभी लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी ये गेम आ जाए और हम इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। बट इन्हीं दिनों में कुछ ऐसे अपडेट आया करते हैं जिनसे आप लोगों को लगता है कि बस पबजी मोबाइल आने ही वाला है, और बहुत सारे अपडेट फेक होते हैं, बहुत सारे अपडेट रियल होते हैं। पबजी मोबाइल इंडिया डाउनलोड APK, जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिल जाती है। तो गाइस उन्हीं में से ऐसी वेबसाइट जो सामने आई है, उस वेबसाइट में गाइस एक डाउनलोड लिंक है जो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, तो उसमें पबजी मोबाइल इंडिया लिखा हुआ है, नीचे डाउनलोड भी दिया हुआ है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो गाइस वो डाउनलोड वगैरह कुछ भी नहीं होता, उसमें सिर्फ एक वीडियो प्ले हो जाती है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। बस उन लोगों को उसका अपने ट्रैफिक बढ़ाने से लेना देना है, उसमें उन लोगों की जो अर्निंग होती है वो हो जाती है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसमें ऐड आता है, उससे उन लोगों की अर्निंग हो जाती है। तो वो जो गाइस लिंक वायरल हो रही है वो बिल्कुल भी फेक है, उस पर बिल्कुल भी आप लोग ट्रस्ट मत करना। तो गाइस अब बात कर लेते हैं जो माइक्सटन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है गाइस, उस पर कल की डेट में एक पोस्ट को पब्लिश किया गया था। उसमें गाइस क्या लिखा हुआ था, अनाउंसमेंट मोस्ट ऑफ द टायर वन टीम हैव स्टार्टेड प्रैक्टिस, वेट विल बी ओवर सून, दिसंबर विल बी अ डिसाइडिंग मंथ। तो इसका मतलब गाइस पबजी मोबाइल इंडिया की जो प्रैक्टिस है वो होने लगी है KR वर्जन में। कई सारे लोगों ने जो इसकी प्रैक्टिस KR वर्जन में करना शुरू कर दिया है, क्योंकि गाइस दिसंबर का मंथ ही ऐसा डिसाइडिंग मंथ है जिसमें कि पबजी मोबाइल इंडिया आने वाला है। और गाइस मैं आपको मैक्सटन के बारे में बता दूं, मैक्सटन के काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट है पबजी मोबाइल से, और वो गाइस अगर कोई भी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करता है तो बिल्कुल भी रियल होगी गाइस। बट कई सारे उन लोगों की प्राइवेसी एंड पॉलिसी होती हैं जो कि पबजी मोबाइल अगर उनके साथ शेयर करता है तो उन लोगों को भी कैसा है प्राइवेसी पॉलिसी बताई जाती है कि ये चीज़ आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ अभी आप बता नहीं सकते हैं, क्योंकि पबजी मोबाइल जो है वो बैकएंड में काफ़ी सारे वर्क कर रहा है, काफ़ी सारे उसके जो प्रोसीजर है वो चल रहे हैं, वो नहीं चाहता कि जब तक उसके जितने भी सारे प्रोसीजर हैं जो लीगल तरह से जो उसके रहते हैं वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक वो नहीं चाहता कि उसकी कोई भी लॉन्चिंग डेट से लेकर कोई भी रिलीजिंग डेट कोई सामने आ जाए। इसलिए गाइस हो सकता है कि ये पोस्ट जो किया गया है उसके बाद मैक्सटन को डिलीट करना पड़ा हो। इस पोस्ट से गाइस देखकर यही लगता था कि जो पबजी मोबाइल इंडिया है वो दिसंबर के मंथ में ही आने वाला है। बट गाइस मैं अगर अभी आपको बता दूं कि पबजी मोबाइल इंडिया की MEITY के साथ जो मीटिंग होने वाली है वो अभी नहीं हुई है, क्योंकि उसी मीटिंग में गाइस जो फाइनली होगा वो रहेगा डिसीजन MEITY का। तो वो लोग वहाँ पे पहले चेक करेंगे पबजी मोबाइल इंडिया का कोई भी जो प्राइवेसी पॉलिसी है, किसी तरह से जो डाटा है वो कहीं और तो शेयर नहीं होगा, तो पूरी तरह से पहले पबजी मोबाइल को चेक किया जाएगा। जब उनके साथ पूरी तरह से मीटिंग हो जाएगी फिर जाके MEITY अलाउ कर देगी पबजी मोबाइल इंडिया को अपने इंडिया में लाने के लिए। उसके बाद ही गाइस पबजी मोबाइल इंडिया आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और फिर प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि पबजी मोबाइल इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर बहुत ही बड़ा चेंजेस यहाँ पर हुआ है, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो। गाइस ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप खुद ही उसकी वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं, pubgmobile.in जो कि इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें गाइस जो पहला चेंजेस आया हुआ है, अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो पबजी मोबाइल के जब आप पेज ओपन करेंगे उसके सबसे नीचे आ जाएंगे तो जहाँ पे पबजी कॉर्पोरेशन लिखा रहता है, यहाँ पर गाइस पहले लिखकर आता था 2020 पबजी कॉर्पोरेशन INC ऑल राइट रिसीव। बट गाइस अब यहाँ पे वो चीज़ चेंज करके अब दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखकर आ रही है 2017 क्राफ्टन INC ऑल राइट रिसीव। तो इसका मतलब गाइस ये है कि पबजी मोबाइल का जो भी डाटा है वो क्राफ्टन में मर्ज हो चुका है, तो इसीलिए गाइस यहाँ पे ये चेंजेस आया हुआ है। आई थिंक आप लोग खुद ही समझदार हैं, समझ रहे होंगे। तो पबजी मोबाइल का जो भी वर्क है आई थिंक वो पूरा कम्प्लीट हो चुका है, बस उसका जो पब्लिश करने का देरी है, और पब्लिश वो तब करेगा जब उसको गवर्नमेंट से अलाउ मिल जाएगा तभी वो पब्लिश करेगा। तो इसलिए गाइस वो अभी इसमें डिले हो रहा है कि पबजी मोबाइल चाहता है वो पहले से ही जितने भी उसके लीगल प्रोसीजर है वो कंप्लीट करके रख ले, ताकि आगे चल के अगर वो पहले से ही गेम को पब्लिश कर देता है तो आगे चल के उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हालांकि वो चाहे तो इस गेम को पहले भी पब्लिश कर सकते हैं, बट आगे चल के उसको प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है पबजी मोबाइल इंडिया को भी बैन कर दिया जाए, इसीलिए वो सोचा है कि पहले इसके जितने भी प्रोसीजर हैं वो पहले कंप्लीट कर लिए जाए, उसके
बाद पबजी मोबाइल इंडिया को पूरे लीगल तरीके से अपने इंडिया में पब्लिश किया जाए और फिर अच्छे उसको आप लोग डाउनलोड भी करके अपने मोबाइल में फ्रीडम होके एकदम खेल भी पाएं। पबजी मोबाइल इंडिया के मैंने जितने भी अपडेट बताए हैं यही सच्चाई है, यही रियलिटी है, और कोई भी अगर अपडेट आपको देखने को मिल रहा है तो बिल्कुल भी फेक है गाइस, बिल्कुल भी समझ लो। आजकल बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं तो उन सभी अपडेट पर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना। जो ये मैंने आपके साथ शेयर किया रियलिटी गाइस यही है। तो फिलहाल के लिए गाइस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।